हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोली। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीरा किचन में। आज मैं आपको बहुत टेस्टी वाटरमेलन यानी तरबूज की आइसक्रीम बनाना बताऊंगी घर पर बहुत ही आसान तरीके से। कि जो लाल वाली आइसक्रीम होती है ना, बच्चों की सबसे फेवरेट होती है। बच्चे जो बाहर ठेला वाले आते हैं ना लाल वाली आइसक्रीम बेचने के लिए, उसको देख के ही उनका खाने का मन करता है, क्योंकि बच्चे लाल कलर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप उन्हें पानी, चीनी और कलर वाली आइसक्रीम ना खिलाकर घर पर हेल्दी वाटरमेलन यानी तरबूज की आइसक्रीम खुद ही बनाकर खिलाइए, जिसको बनाना भी बहुत आसान है। तो ये देखिए, आप बिल्कुल फ्रेश ताज़ा वाटरमेलन ले लीजिए और लाल वाला लीजिएगा, और इसे कट कर लीजिए पीसेस में, और इसमें जितने भी सीड्स हैं आप उसे निकाल दीजिएगा। सीड्स नहीं जाना चाहिए पीसते समय, तो पहले आप ऐसे कट कर लीजिए। जितने भी पीसेस हैं उन्हें आप ऐसे कट कर लीजिए कि सीड्स निकाल लीजिए, बहुत इजीली निकल जाता है। और आपको ना हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप इसमें देखिए, मैं सारा सीड्स निकाल दी हूँ वाटरमेलन से। अब उसे ब्लेंडर जार में डाल दूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा ताकि एकदम अच्छे से पेस्ट जैसा बन सके। और थोड़ी सी चीनी डालना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी नहीं डालना है, क्योंकि वाटरमेलन ऑलरेडी मीठा होता है। तो बहुत ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छन्नी ले लीजिए। देखिए, छन्नी जो चाय वाली होती है ना, वो मत लीजिएगा, नहीं आप परेशान हो जाएंगे उसको छानते छानते। आप ये देख रहे हैं ना, बड़ी साइज वाली जो छन्नी होती है आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। और अच्छे से जब छान लेंगे तो जो उसके जो थोड़े मोटे मोटे पल्प हैं वो अलग हो जाएंगे और एकदम फाइन पेस्ट जैसा बचा रहेगा नीचे। बस उसी को आपको ऐसे मोल्ड में भर देना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा मोल्ड हो, आप किसी भी स्टील की कांच की गिलास में जमा सकते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए कभी भी किसी मोल्ड की ज़रूरत, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मोल्ड हो, क्योंकि वो कागज़ की, कांच और स्टील किसी में भी जम जाती है। तो यहाँ पर देखिए ना, ये इसमें जो होता है ना, प्लास्टिक स्टिक भी मिली होती है। जब अगर आपके पास ऐसा मोल्ड हो तो इसमें जो प्लास्टिक स्टिक मिली होती है ना, ये देखिए मैं जो ऊपर से लगा दी ना, ये थोड़ा गलत कर दी थी, ऊपर से नहीं, ये देखिए पहले ही आप अंदर से स्टिक लगा दीजिए, उसके ऊपर से उसका ढक्कन लगाइए, और उसके बाद ना आप कवर कर दीजिए एल्युमिनियम फॉयल या फिर किसी पन्नी से। उसके बाद डीप फ्रीजर में 6 से 7 घंटा रख दीजिए। तो 6 से 7 घंटा डीप फ्रीजर में रखने के बाद ये वाटरमेलन यानी तरबूज की आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। तो आज के बाद आप अपने बच्चे को बाहर की लाल वाली आइसक्रीम मत खिलाइएगा, घर पर वाटरमेलन की आइसक्रीम बनाकर दीजिएगा। बहुत ही मन से खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से ट्राई करें। गर्मी के सीज़न में तो बच्चों को ये वाली आइसक्रीम ज़रूर बनाकर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर।